दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा ऐलान कर दिए हैं और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं क्या सबसे बड़ा ऐलान किए हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक तस्वीर शेयर किए हैं और तस्वीर पर लिख रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, तस्वीर पर लिख रहे हैं कि यह समय भीषण गर्मी का है, साथ ही पर्व त्योहारों का आयोजन भी होना है। और उसके आगे लिख रहे हैं, ऐसे में गाँव नगर कहीं भी रोस्टरिंग के नाम पर अनावश्यक पावर लाइट की कटिंग नहीं होनी चाहिए, कटना हो। और आगे लिख रहे हैं कि अगर ट्रांसफार्मर खराब होने अथवा फॉल्ट की समस्या का तेज़ी के साथ निस्तारण हो, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर जो है कि फॉल्ट हो जा रहा है, तो उसका तेज़ी के साथ निवारण हो, यानी कि बहुत जल्दी से उसको बदल दिया जाए और नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। माननीय आदित्यनाथ योगी जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिए हैं। आप लोग जैसा कि देखें कि इस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए यही चीज़ शेयर किए हैं और वो रहे कि अनावश्यक लाइट बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, गांव नगर जो भी, इतना भीषण गर्मी पड़ रहा है, इसी गर्मी के कारण जो है कि आदित्यनाथ योगी जी बोले कि लाइट की कटिंग नहीं होनी चाहिए और लाइट हर जगह उपस्थित होनी चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है तो उसको तुरंत जल्द ही बदलाव कर देना चाहिए। इतना बड़ा समझ लीजिए कि ऐलान हो गया है कि उत्तर प्रदेशवासी कितने गर्मी से जूझ रहे हैं, उनको 24 घंटे लाइट मिलना चाहिए। फाउसे तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं कटना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा कट भी जाता है, उतना चलता है, लेकिन हमेशा के लिए लाइट नहीं कटेगा। जैसे बहुत पहले आता था, पहले सिस्टम था कि पहले लाइट कट गई, फिर इसके बाद जो है कि 3-4 घंटे बाद आएगी लाइट, ऐसा सिस्टम था। लेकिन ऐसा सिस्टम तभी था जैसे कहीं फॉल्ट हो जाता था, जैसे बरसात का सीज़न था, ठंडी का सीज़न था, तो कहीं अगर फॉल्ट हो जाता था तो बनने में इतना टाइम लग जाता था, जैसे 2-3 घंटे बनने में टाइम लग जाता था, तार वार अगर फॉल्ट हो जाता था। लेकिन अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत जोर हो रहा है और जो है कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, विकराल गर्मी। और इस गर्मी के कारण जो है कि कुएँ, नल का पानी पूरे सूख गए हैं, पानी पीने के लिए भी तबाही हो रही है, लेकिन फिर भी लोग कैसे पी करके जो है कि चला रहे हैं अपना काम। और इसी के चलते जो है कि योगी आदित्यनाथ जी ऐलान भी कर दिए, बोले कि जो है कि कहीं से भी लाइट की कटिंग नहीं होनी चाहिए और लाइट जो है कि हमेशा 24-48 घंटा जो है कि लाइट प्रदेश गांव नगर में होना चाहिए। तो वैसे आप लोगों को क्या राय है, आप लोग इसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं दोस्तों नीचे कमेंट करके। अगर हमारा वीडियो और हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।